हर साल 8 से 10 लाख बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से सिर्फ ऊपर के 10,000 बच्चों को ही बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल पाता है। ऐसा क्यों है कि हर 42 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, जिसका मतलब है कि पूरे दिन में 34 स्टूडेंट्स अपनी हर दिन सुसाइड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा IIT जेईई का सच। और अगर आप भी इसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी भी मदद हो पाए। मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या है, ऐसे घुमाऊंगा, कई और तरीके हैं। इस फील्ड का डॉन हूं मैं, किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं, ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो, इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दाव पे। 2021 में NCERB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी 1389 बच्चों ने सुसाइड कर ली थी, जिसमें से आपकी 43.49 गर्ल्स थी एंड 56.51% आपके बॉयज थे। एंड 2022 यार सबसे बुरा साल गया था, क्योंकि 2021 के कंपैरिजन में सुसाइड रेशो आपका 4.5% से बढ़ गया था। और एक बच्चा तो यार कोरा पे ये भी पूछ रहा था कि भाई मेरी 1 लाख तक रैंक आई है तो मैं कैसे सुसाइड कर सकता हूँ। कहा जाता है कि इंडिया में यार 6 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% से भी ज़्यादा लाते हैं। अगर सारे के सारे 90% वाले से भी एग्ज़ाम दिलाया जाए तो भी आपके 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। ये कहानी आपकी शुरू हो जाती है 10th क्लास से, जब बच्चे को पता नहीं होता कि उसको करना क्या है या उसका इंटरेस्ट क्या है, और वो भेड़ चाल के चलते मैथ्स या बायो ले लेता है एंड देन प्रिपरेशन में लग जाता है IIT या नीट की। जैसे ही वो प्रिपरेशन के बारे में सोचता है उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, कोचिंग। अब कोचिंग में लगते हैं पैसे, और वही पैसे अरेंज करने के लिए जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कहीं से लोन लेकर उधार लेकर वो अपने बच्चे की प्रिपरेशन कराते हैं ताकि वो सक्सेसफुल बन जाए। लेकिन बच्चा जैसे ही कोचिंग में जाता है उसको पता चलता है कि सारे अच्छे टीचर, सारी स्कॉलरशिप, सारी फैसिलिटीज सिर्फ टॉपर्स को दी जा रही है और बाकी बच्चे सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर आए। और जब आप कोचिंग टेस्ट में, जो आपके संडे टेस्ट होते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तब आपके दिमाग पर क्रिएट होता है मेंटल प्रेशर। प्रेशर आपके पेरेंट्स के पैसे का, प्रेशर उस लोन का जो आपके पेरेंट्स ने कहीं से लिया था, या फिर प्रेशर उन बच्चों का जो आपकी कोचिंग में आपसे आगे निकल जा रहे हैं और जो आपकी कोचिंग के टॉपर्स हैं, और यही प्रेशर लीड्स टू सुसाइड्स। सबसे पहला तो सवाल हमारा यही होना चाहिए कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है? क्या हमारे टीचर्स उतने काबिल नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल में ही IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करा सकें? असल में यार हम बचपन से ही ट्यूशन पढ़ने लग जाते हैं, और सिर्फ IIT JEE के लिए नहीं, हम स्मॉल क्लासेस के लिए भी ट्यूशन पढ़ते हैं। और इससे साफ पता लगता है कि बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाती, या शायद प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता स्कूल्स में, जिसकी वजह से उन्हें अलग से ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं। कोई आपका टैलेंट नहीं देखता, किसी को आपसे मतलब नहीं कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, चाहे आप 95% वाले हो या 65% वाले, आपको सिर्फ एक ही चीज़ से जज किया जाता है, आपकी पढ़ाई। रियलिटी में कोचिंग्स को ही पता होता है यार कि कौन बच्चा एग्जाम क्रैक करने वाला है आने वाले टाइम में और कौन बच्चा क्रैक नहीं करने वाला है, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स को दिलासा दिलाते हैं कि हाँ भाई आपके बच्चे को हम सक्सेसफुल बना देंगे क्योंकि उनसे उन्हें पैसे मिलने वाले होते हैं। कोचिंग्स का यार एक खुद का एक बिजनेस है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, या फिर आप कोटा वाली मेरी भी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जाकर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोटा में रियलिटी में होता क्या है। लेकिन टॉपर्स तो आपके यार सिर्फ 100 बच्चे निकलते हैं स्टार्टिंग के, बाकी के 9,99,900 बच्चों का क्या होता है? मैं बताता हूँ यार उनके साथ क्या होता है। बाकी सब बच्चों को लगता है कि यार उनकी ज़िंदगी अब ख़राब हो गई, क्योंकि टीचर्स, पेरेंट्स, आपकी कोचिंग्स, आपके जो भी सोसाइटी वाले हैं, सब कहते हैं कि बस यही एग्ज़ाम है और अगर ये क्रैक नहीं हो तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। और चलो यार मान लेते हैं कि आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग या बहुत ही अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो एक एग्ज़ाम क्रैक करके, लेकिन वहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होगा, वहाँ से तो असली कॉम्पिटिशन आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि हर 10 में से 8 बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं 4 साल के बाद, जिसका मतलब है कि इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। IITs में यार आप अगर चले भी जाओ ना तो भी आपको 100% सक्सेस गारंटी वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि बच्चा जब IIT में जाता है तो उसके पास कोई गोल नहीं होते, वो एकदम ब्लैंक हो जाता है। इससे पहले तो गोल था कि एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, IITs में आ जाएंगे, लेकिन IITs में एक बार पहुँच गया, किसी कॉलेज में पहुँच गया, तो वहाँ पर बच्चा ब्लैंक रहता है क्योंकि आगे का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ IITians ही आपके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आप अपने शहर में या अपने आस पड़ोस के जगह पे देखोगे कि भाई जो आपके सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच लोग हैं वो आपके शायद IITians नहीं थे, शायद डॉक्टर्स नहीं थे या लॉयर्स नहीं थे, तब आपको यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी पता लगने लगेगी। और क्या इस पूरी वीडियो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, IIT JEE की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपका मन है, आपको पता है कि आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, किसी अच्छे कॉलेज में जाओ, क्योंकि अच्छे कॉलेज में आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे बच्चे मिलते हैं, अच्छी सोच के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं जो आपको अदर फील्ड्स में भी एक्सप्लोर करने का मौका देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं किसी एग्जाम के पीछे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप यार जिंदगी चला सकते हो। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कुछ इस चीज़ में बदलाव आने वाला है? क्या गवर्नमेंट इस चीज़ पर कोई इनिशिएटिव लेने वाली है, या फिर क्या बच्चे इन चीज़ों को लेकर कम प्रेशराइज रहा करेंगे आने वाले टाइम में? तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर ज़रूर आप अपने व्यूज़ रखना।
और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस आने वाले समय में तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।